प्यारे दोस्तों अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड, एक अल्लाह के वली को नमाज पढ़ते वक्त जान से मारने के लिए आया लश्कर। जी हां दोस्तों, बादशाह ने एक अल्लाह के वली को नमाज के दौरान जान से मारने के लिए भेजा लश्कर। फिर क्या होता है, कैसे एक अल्लाह के वली की ऐसी करामत जाहिर होती है जिसको देखकर पूरी दुनिया देखकर दंग रह गई, आंखें फटी की फटी रह गई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की ताकत और कुव्वत को आप समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि आपने ये अपनी खुली हुई आंखों से उनकी करामतों के बारे में देखा है। और बहुत सारे ऐसे खुशकिस्मत हैं जो अब भी अल्लाह के वलियों के जिंदा करामत अपनी निगाहों से देख रहे हैं। दोस्तों, उसी तरीके के एक अल्लाह के वली जिनको जब नमाज के हालत में जान से मारने के लिए बादशाह का लश्कर आया, तो जो कुछ हुआ दोस्तों आप सुनकर दंग रह जाएंगे। कौन थे वो अल्लाह के वली जो दौरान नमाज उनके तलवार ने यलगार कर दिया, सुनकर पूरा किस्सा वाकया आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जरा सा भी वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, आपने सुना है कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना कोई गम। अल्लाह के जो वली होते हैं वो अल्लाह के महबूब होते हैं और किसी का ना डर होता है उनको, ना फिर किसी से वो डरते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो अल्लाह के वली हजरत मखदूम सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह, जो कि तिब्बत के सरजमीन में जब आए, जब हजरत मखदूम सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह तिब्बत की सरजमीन पे आए, कदम रखे, तो वहाँ का जो बादशाह था, वहाँ का जो वक्त का जो हाकिम था, उसके पेट में खलबली मच गया, भूकंप आ गया। और उसने उसी तरीके से जब अल्लाह के वली कहीं आते हैं और गैर को जलन लगता है, उसी तरीके से हजरत मखदूम सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह जब तिब्बत में कदम रख दिए, तो वहाँ के बादशाह को पेट में जलन होने लगा, दर्द होने लगा। उसने अपने लश्कर को भेज दिया कि जाइए वहाँ से उस फकीर दुर्वेश को हटा दीजिए। जब बादशाह के लश्कर वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद वो हजरत मखदूम सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाने के बाद ये कहते हैं कि बादशाह के हुक्म है कि आप यहाँ से चले जाएं, फौरन खाली कर दें, तो हजरत सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह ये लश्कर से कहते हैं कि सुनिए, मैं यहाँ पर आया हूँ और कुछ दिन मैं यहाँ पर क़याम करूँगा और क़याम करने के बाद मैं फौरन यहाँ से चला जाऊँगा। फ़िलहाल आप हमें यहाँ ठहरने का इजाज़त दे दीजिए, ठहरने दीजिए, मैं अपने आप कुछ दिन के बाद यहाँ से चला जाऊँगा। अब जब ये जवाब लोगों ने सुना तो बादशाह के लश्कर वापस बादशाह के यहाँ पर चले आते हैं, और बादशाह के यहाँ पर वापस लौटने के बाद बादशाह के दरबार में उनका लश्कर आ जाता है। और लश्कर जब दरबार में आता है तो बादशाह को पूरा रुदाद सुनाता है कि हम लोग वहाँ पर गए थे, उस बुजुर्ग को हटाने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तो हम यहाँ आए हैं और अभी हम यहाँ नहीं हटेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें कुछ दिन यहाँ रहने दिया जाए, मैं अपने आप यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनने के बाद बादशाह एक बार समझ गया और खामोश हो गया। लेकिन दोस्तों, बादशाह के पास कुछ ऐसे लोग चमचागिरी करने के लिए हर ज़माने में रहते थे, जो बादशाह को भड़काने का भी काम करते थे। दोस्तों, उस ज़माने में भी तिब्बत के उस बादशाह के यहाँ पर एक पंडित था, जब उसने ये सुना कि बादशाह के फरमान को वो अल्लाह वाला वो मुसलमानों का बाबा टाल रहा है, तो उन्होंने बादशाह के को पिन मारना स्टार्ट कर दिया कि बादशाह ये कैसा हो गया, वो आज रहना चाहता है फिर यहीं पर अपना डेरा डंडिल गाड़ देगा और फिर वहाँ से नहीं जाएगा, तो फिर ये आपके सल्तनत के लिए बुरा होगा। और उसने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप एक बड़ा फौजियों का टुकड़ी आप दीजिए मुझे और मैं चला जाता हूँ और उसका तंबू तिरपाल उखाड़ कर फेंक देता हूँ, और अगर वो नहीं मानेगा तो जान से मार दूँगा। अब बादशाह के सामने उसने ये बातें हाँ की उस पंडित ने, तो बादशाह ने भी कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप जाएँगे लश्कर के साथ और उसको हटा देंगे, तो आप लश्कर की एक टुकड़ी ले जाइए और उनको हटा दीजिए यहाँ से, उस बाबा को। बहरकैफ दोस्तों, बादशाह की टुकड़ी के साथ
वो पंडित भी रवाना हो जाता है और जाने के बाद उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हजरत मखदूम सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। जब पूरी बादशाह की टुकड़ी वहां पर गई दोस्तों एक लाव लश्कर के साथ, तो उस वक्त वहां पर हजरत मखदूम सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के हमदो सना में लगे हुए थे, यानी नमाज की हालत में थे। और दोस्तों जब अल्लाह के वली जो होते हैं उनकी नमाज इस कदर होती है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन उनको पता तक नहीं होती है। बाहर कैब वो खुले अपने तंबू से बाहर मसल्ले पर खड़े थे, नमाज में खड़े थे, सामने उनका तलवार रखा हुआ था और वो नमाज पर थे। अब दोस्तों जब उस पंडित ने ये देखा कि ये मुसलमानों का बाबा नमाज में है, तो उसने ये चाहा कि अच्छा मौका है, इसको नमाज के हालत में ही खत्म कर देते हैं। बहर कैब उस पंडित ने अपने साथ आए लश्कर को हुक्म देता है कि इसी हालत में, नमाज के हालत में ही इनको ख़त्म कर दिया जाए। अब दोस्तों अल्लाह की शान देखिए कि जैसी पूरी लश्कर की टुकड़ी हजरत मखदूम सुल्तान मखदूम अहमद रहमतुल्लाह अलैह को मारने को आगे बढ़ती है, दोस्तों बाबा का एक ऐसा करामत सामने आता है जिसको देखकर सबके दिल दहल गए। जो नमाज पढ़ रहे थे बाबा और उनके बगल में जो उनका तलवार रखा था, म्यान रखा था दोस्तों, अचानक से वो तलवार हवा में फिजा में लहरा जाता है और म्यान से अपने आप बगैर किसी के मुट्ठी के तलवार बाहर आ जाता है। और सिर्फ बाहर ही नहीं आता है दोस्तों, बल्कि ऐसा चलने लगता है वो तलवार लश्कर के ऊपर की देखते ही देखते सारा लश्कर ढेर हो गया, जो बचे वो भाग के वहाँ से चले गए। प्यारे दोस्तों ये है अल्लाह के वली की करामत। कि आप तसव्वुर करें कि एक तरफ अल्लाह के वली नमाज में मशगूल हैं, एक तरफ अल्लाह के वली अल्लाह के बारगाह में अपने पेशानी को झुकाए हुए हैं और इधर उनके जान से मारने के लिए हमला होता है, लेकिन अल्लाह की शान देखिए और अल्लाह के वलियों की ताकत देखिए कि उनका तलवार रखा हुआ है, तलवार अपने आप निकलता है म्यान से और फिर फिजा पे लहराता है और इस कदर चलता है कि दुश्मन ने इस्लाम को फिनार कर देता है। दोस्तों ये थी अल्लाह के वली हजरत मखदूम सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह की ये जिंदा करामत जो कि तिब्बत में, सरजमीन तिब्बत में हुई थी। प्यारे दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कमेंट है, जो कुछ भी कमेंट है, राय है, आप इसको आप कमेंट मेंशन करें दोस्तों। और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कम सुनने और ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।